एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने ज्ञानेश राय नर्सरी स्कूल द्वारा कोरोना वैक्सीन जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर डॉक्टर नागरकर ने स्कूल द्वारा वैक्सीन जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि कोविड 19 की वजह से हर कोई डरा सहमा हुआ है और ऐसी स्थिति में स्कूल प्रबंधक द्वारा जागरूकता का जो साहसिक निर्णय लिया गया है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने बताया कि इस पूरे कोविड 19 के दौरान एम्स के सभी डॉक्टरों ने अपनी दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए अधिक से अधिक लोगों को स्वस्थ किया है। हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले मरीज को बचाना होता है, इसके लिए हम दिन और रात प्रयास करते रहते हैं और इसी का परिणाम है कि हमने अधिकतर मरीजों की जान बचाई है। डॉक्टर नागरकर ने बताया कि कोविड 19 का पहला केस जब निकला था तब से लेकर आज तक कोविड वार्ड में प्रतिदिन मैं और अस्पताल के डॉक्टरों की पूरी टीम उन मरीजों का हौसला बढ़ा रही है जो इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें हर संभव हम मानसिक सपोर्ट करते हैं। स्कूल संचालक विजय ऋषि कर ने बताया कि कोविड 19 में घर में रहें, सुरक्षित रहें, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए लोगों को अधिक से अधिक पोस्टर एवं टेलीफोन के द्वारा जागरूक एवं उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का आह्वान किया गया है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। देखिए, लोगों ने बहुत मेहनत की, फिर वो चाहे मेडिकल प्रोफेशनल्स हों, फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, पुलिस डिपार्टमेंट, सफाई कर्मचारी, मतलब पूरे बहुत सारे महकमा है एक बड़ा, जिसने सबने मिल करके इस वक्त काम किया तब जा करके। और अगर हम ये देखें, इवन विदेशों को के साथ अगर हम कंपेयर करें तो भारत देश का जो काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट रहा है कोविड में भी, मॉर्टेलिटी की दर कम रही और छत्तीसगढ़ में खास करके बहुत अच्छा काम हुआ। और एम्स रायपुर के पूरे परिवार जो हैं हमेशा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अवेलेबल था। इसके फ्रंट लाइन वर्कर, हम सभी को उनको थैंक्स बोलते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पुलिस वाले हों। ऐसे न जाने कितने ही लोग हैं जो जाने अनजाने लोगों की जो सेवा की है, मदद किए हैं, और हम इन सब की जो है स्पेशल थैंक्स बोलते हैं अपने स्कूल के तरफ से कि उनकी वजह से आज कई परिवारों की जान बची है, कई परिवारों ने अपनों को खोया है, पर उस समय भी जो है लोगों ने जो मानसिक रूप से सपोर्ट किया है। अब जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने लगभग 5-7 हज़ार से लोगों को फ़ोन करके पर्सनल मैं जागरूक किया हूं कि इस कोरोना काल में आपको कुछ नहीं होगा, ईश्वर आपको, खुदा आपको इस बीमारी से दूर रखेगा। और वैसा हुआ भी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को थोड़ा जागृत करती है और उससे जो है बीमारी से दूर रहने का उसमें ये हौसला बढ़ता है। ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारे ग्रेसी स्कूल के संचालन द्वारा और हमारी बभी मैडम जो है, जो इन्होंने बढ़ चढ़ के पूरे शहर में और पूरे आज इन्होंने जो पत्रिका इसका विमोचन करवाया है, ये इससे बहुत अच्छी खबर जाएगी और बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। इससे हमारे जितने भी पालक हैं उनको हौसला बढ़ेगा और बच्चों को स्कूल भेजने का वो हिम्मत बढ़ाएगा। इसलिए ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि वैक्सीन ही हमारी एक ऐसा है जो कोरोना को सुरक्षित रख सकती है। मैं योगेश श्रीवास्तव हूँ, RMO हूँ रायपुर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में, और मैं यही कहूँगा कि वैक्सीन लगाइए, ज़रूर लगाइए, और कोरोना से डरी नहीं, उसके जो पालन है उसको करना है, अपने को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, सैनिटाइज करना है, और लोगों को भी बताना है कि मास्क लगा के जाना है। और ये भी ये बताना है कि भाई आप अगर अकेला घूम रहे हो तो आप अकेला नहीं घूम रहे हो बाहर, आपके पीछे परिवार है।